डैनियल पल के सर कलम करने के 19 साल बाद भी एक घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ तहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक अमेरिकी सहाफी डैनियल पल जनवरी 23, 2002 को अगवा हुए, जिसका बाद में 1 फरवरी 2002 को पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने बेदर्दी से सर कलम कर दिया। सर कलम करने को आज 20 साल बीत चुके हैं। हैरत की बात है कि 28 जनवरी 2021 को पाकिस्तान की अदालत ए अजमी ने अहमद उमर सईद शेख की रिहाई का हुक्म दिया, जिसे पहले अमेरिकी सहाफी डैनियल पल के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई थी। पल अलकायदा के साथ बरतानवी शहरी रिचर्ड रेड के मुबीना ताल्लुकात की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर पाकिस्तान गए थे। कराची में शेख मुबारक अली गिलानी के मुज़ाकरा के लिए जाते हुए पल को अगवा कर लिया गया था। उसके सिर पर बंदूक रखे हुए हथकड़ी में बंद हाथों में अखबार लिए हुए पल की तस्वीरें इश्तराक की गईं। उसकी रिहाई के लिए मुतअद्दिद आवामी इल्तजाओं के बाद भी दहशतगर्द गिरोह ने डैनियल को मारने का इंतबाह जारी किया और धमकी दी कि अब से कोई अमेरिकी सहाफ़ी पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। इस मामले में मुतअद्दिद गिरफ्तारियां अमल में आईं, जिससे अब यह एहसास हो गया है कि ये सब डैनियल पल की मौत के पीछे दहशतगर्दों को आज़ाद करने की महज एक साजिश थी। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी शहरी अहमद उमर शेख, जिसे पाकिस्तानी कैद खानों में घर जैसा सुलूक दिया गया था, अब आज़ाद है। डैनियल पल के अगवाकार और कातिल अब भी क्यों आज़ाद घूम रहे हैं? इमरान खान और उनके लोग हमेशा दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद की हिफाजत क्यों करते हैं? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कभी करारदाद क्यों नहीं हुई? कब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज ठिकाने फराहम करेगा?